एसएमसी फंड का सही व प्रभावी उपयोग करने के लिए कुछ निर्देशों का जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो ये है कि किसी भी लेबर को हायर करते हुए हम सभी को ध्यान रखना है कि उस लेबर को 16 हाफ डे से अधिक हर महीने नहीं रखा जा सकता, और इस नियम का पालन करने की जिम्मेदारी एचओएस की होगी। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड की पेंटिंग करनी है और उसके लिए आप किसी लेबर को हायर करना चाहते हो, तो उस लेबर को आप सिर्फ 16 हाफ डेज के लिए रख सकते हो हर महीने। और यही नियम किसी भी लेबर के लिए यानी प्लम्बर राजमिस्त्री के लिए भी लागू होगा। हम एसएमसी फंड का इस्तेमाल रिसोर्स पर्सन या एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित कोई नई जानकारी देना चाहते हैं ताकि उनको एक नया नजरिया मिल सके, तो हम एसएमसी की सहमति से किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से किसी रिसोर्स पर्सन या एक्सपर्ट को बुला सकते हैं। ये रिसोर्स पर्सन रिटायर्ड व्यक्ति भी हो सकते हैं। रिसोर्स पर्सन से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि JSTS, NTSC, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, आर्किटेक्चर या CA के एग्जाम्स के लिए अगर बच्चों की तैयारी करने के लिए हम किसी रिसोर्स पर्सन को रखना चाहते हैं तो हम इन्हें रख सकते हैं, परंतु इन रिसोर्स पर्सन को आप साल में 200 घंटों से अधिक के लिए नियुक्त नहीं कर सकते। रिसोर्स पर्सन को 1000 रुपए प्रति घंटे के दर से वेतन दिया जा सकता है। बच्चों को करियर्स के बारे में काउंसलिंग देने के लिए भी किसी एक लेक्चरर या करियर काउंसलर को रिसोर्स पर्सन के रूप में रखा जा सकता है। इस लेक्चरर को आप साल में 15 लेक्चर से अधिक के लिए नहीं रख सकते। किसी भी रिसोर्स पर्सन को नियुक्त करने से पहले एचओएस को दो बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि उस विषय को पढ़ाने के लिए स्कूल में ऑलरेडी कोई शिक्षक ना हो, और दूसरा किसी भी ट्यूशन स्टाफ को या फिर किसी बेरोजगार व्यक्ति को आप रिसोर्स पर्सन के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते।